A Short History of English Literature. अच्छा, इसमें देख लेते हैं हम कि क्या क्या था, हिस्ट्री क्या थी इंग्लिश लिटरेचर की, और इसमें क्या था ऐसा कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को इतनी ज्यादा अहमियत दी जाती है. सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में अर्लीस्ट टाइम आ जाता है, जिसको हम एंग्लो सैक्सन पीरियड कहते हैं. अब इसमें क्या था कि सोशल बैकग्राउंड, द मेकिंग ऑफ इंग्लैंड, द इन्वेजन ऑफ रोमन एम्पायर. इन्वेजन किसे कहते हैं? अटैक ऑफ रोमन एम्पायर इन द 44th AD, द अटैक्स ऑफ वाइकिंग्स एक्सेट्रा. फिर उसके बाद हम देखते हैं इसमें लिटरेचर कैसी थी. ये तो सोशल बैकग्राउंड आ गया कि इसमें जो है इंग्लैंड जो है उसका एक तरह से उसकी प्रोग्रेस स्टार्ट हुई थी. रोमन एम्पायर ने जो है इन्वेड कर दिया था इन 4th AD में, और अटैक्स ऑफ वाइकिंग्स एक्सेट्रा. लिटरेचर कैसी थी, लिटरेचर कौन कौन सी एंग्लो सैक्सन पीरियड के अंदर लिखी गई, जो कि 1066 का टाइम पीरियड था. बीवुल्फ द अर्लीस्ट लिटरेचर, द नेशनल एपिक ऑफ एंग्लो सैक्सन, वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर द यूज ऑफ एलिटरेशन. एपिक देखते हैं कि कैसी थी, अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम इंट्रोड्यूस हुई थी. सबसे पहले लिटरेचर में हम देखते हैं कि बीवुल्फ जो है वो जो है इंट्रोड्यूस हुई थी, और इसके अंदर क्या थे, वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर उसके अंदर एलिटरेशन था. एलिटरेशन कहते हैं रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है. और नेशनल एपिक ऑफ एंग्लो सैक्सन थी ये बीवुल्फ. और एपिक किसे कहते हैं, एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम को कहते हैं, इन एलिवेटेड स्टाइल प्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स ऑफ हाई पोजीशन इन अ सीरीज ऑफ एडवेंचर्स व्हिच फॉर्म एन ऑर्गेनिक होल. अपने माइक्स ऑफ कर लीजिएगा. तो एक एपिक किसे कहते हैं, एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है जो कि एलिवेटेड स्टाइल में लिखी जाती है, और वो प्रेजेंट करती है कैरेक्टर्स ऑफ हाई पोजीशन, ठीक है, हाई स्टेटस के, हाई पोजीशन के वो कैरेक्टर्स को शो करती है, इन अ सीरीज ऑफ एडवेंचर विच फॉर्म एन ऑर्गेनिक होल. द अर्लीस्ट एपिक होमर्स लाइड एंड ओडिसी. और अर्लीस्ट एपिक्स जो है वो होमर्स लाइड और ओडिसी थे. एलिटरेशन किसे कहते हैं, एलिटरेशन, इन एन एलिटरेशन वर्सेस सर्टेन एक्सेंटेड वर्ड्स इन अ लाइन बिगिन विद सेम कॉन्सोनेंट साउंड. एलिटरेशन, एलिटरेटिव वर्ड्स में ये होता है कि कुछ एक्सेंटेड वर्ड्स होते हैं जो कि एक ही लाइन में यूज होते हैं और वो सेम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होते हैं. नेक्स्ट उस पे चलते हैं मिडीवल पीरियड. मिडीवल पीरियड में देखते हैं जो कि 1066 से 15 सेंचुरी तक रहा. इसमें क्या था, इसका सोशल बैकग्राउंड था कि द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट अंडर विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी, द बैटल ऑफ हेस्टिंग इन 1066, द मार्क ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म. अब ये जो था इसके अंदर जो है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुई थी अंडर विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी, ठीक है, और यानी कि नॉर्मेंडी इन्वेजन हुई थी, बैटल हुई थी, एंड बैटल ऑफ हेस्टिंग इन 1066 द मार्क ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म. और यही यहाँ पे बैटल ऑफ हेस्टिंग भी हुई थी, और जिसके अंदर एक मार्क ऑफ एस्टैब्लिशमेंट थी ऑफ फ्यूडलिज्म. लिटरेचर देखते हैं उस दौर में कैसी थी. लिटरेचर वहां पे जो लिखी गई उसमें लैंगलैंड उसने लिखी थी. इंग्लैंड इंग्लिश बैलेड इंट्रोड्यूस हुआ था. रोमांस और चौसर. मिडीवल पीरियड हम चौसर जब पढ़ रहे थे तो हम वहां पे पढ़ रहे थे कि मिडीवल पीरियड था. लैंगलैंड का देखते हैं पायर्स द प्लोमैन एंड एलेग्री. और लैंगलैंड ने जो है वो पायर्स द प्लोमैन लिखी थी और वो एलेग्री थी. एलेग्री किसे कहते हैं, अ फॉर्म ऑफ एक्सटेंडेड मेटाफर इन विच ऑब्जेक्ट्स पर्सन एंड एक्शन इन अ नैरेटिव आर इक्वेटेड विद द मीनिंग दैट लाई आउटसाइड द नैरेटिव स्टाइल. एलेग्री किसे कहते हैं, एलेग्री जो है एक फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्सटेंडेड मेटाफर होता है जिसमें ऑब्जेक्ट्स पर्सन और एक्शंस जो हैं इन अ नैरेटिव आर इक्वेटेड विद द मीनिंग्स. उनको इन अ नैरेटिव एक कहानी सुनाई जाती है जो कि इक्वेटेड विद मीनिंग्स होते हैं. और इसमें दो तरह के मीनिंग्स होते हैं, एक तो अपेरेंट मीनिंग्स होते हैं, एक उसके इनसाइड मीनिंग्स होते हैं जिनको ले आउट किया जाता है. जैसे हमने एलेग्री पढ़ी थी जोनाथन स्विफ्ट की गुलिवर्स ट्रेवल्स, तो एलेग्री बेसिकली मिडीवल पीरियड में इंट्रोड्यूस हुई थी. बैलेड किसे कहते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश फोक लिटरेचर, अ स्टोरी टोल्ड इन सॉन्ग. और बैलेड किसे कहते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बैलेड जो है इंट्रोड्यूस हुई थी मिडीवल पीरियड में, और ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है ऑफ इंग्लिश फोक लिटरेचर, अ स्टोरी टोल्ड इन सॉन्ग. नेक्स्ट है रोमांस. इस दौर के अंदर जो रोमांस जो है इंट्रोड्यूस किया गया,
the most prevailing kind of literature in feudal England, a long composition, sometimes in words, sometimes in prose, and describing the life and adventures. अब जो है कभी ये जो है लॉन्ग कॉम्पोजिशन थी, समटाइम्स इन वर्ड्स बयान की जाती थी, समटाइम्स इन प्रोज बयान की जाती थी, और डिस्क्राइब करती थी द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ अ नोबल हीरो. चौसर, फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ द राइम स्टेंस ऑफ वेरियस टाइप्स इन पोइट्री, एंड द फर्स्ट ग्रेट पोएट हु रोट इन इंग्लिश लिटरेचर. चौसर जो है जो कि फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोइट्री था, वो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री था. इंट्रोडक्शन ऑफ राइम स्टेंजा ऑफ वेरियस टाइप्स उसने बताया था इन द पोइट्री. द फर्स्ट ग्रेट पोएट जिसने क्या लिखा था इंग्लिश लिटरेचर में लिखा था. द कैंटरबरी टेल्स अ पिक्चर ऑफ द 14th सेंचुरी इंग्लैंड बिगिनिंग विद अ जनरल प्रोलोग विद द इन्फ्लुएंस ऑफ बोकैशियोस डेकैमेरन. और कैंटरबरी टेल्स कैसे लिखी थी उसने, उसने उसके अंदर एक पिक्चर ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लैंड बयान किया था बिगनिंग विद अ जनरल प्रोलोग, एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था विद द इन्फ्लुएंस ऑफ बोकैशियोस डेकैमेरन. फिर उसके बाद एक मिडिवल पीरियड के बाद इंग्लिश रेनेसा आया. इंग्लिश रेनेसा बेसिकली 15th एंड 16th सेंचुरी को कहते हैं. इसका सोशल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इंग्लिश रेनेसा का सोशल बैकग्राउंड क्या था. पहली बात ये कि 100 ईयर्स वॉर एंड सिविल वॉर्स, 100 साल यहाँ पे जंगे और सिविल वॉर्स हुई थी. द वीकनिंग ऑफ नोबिलिटी एंड द राइजिंग बॉर्जियोसिस, और इसके अंदर वीकनिंग ऑफ नोबिलिटी हो चुकी थी और राइजिंग बॉर्जियोसिस. बॉर्जियस किसे कहते हैं, मिडिल क्लास को, और मिडिल क्लास जो है वो राइज हो रही थी और जो एलीट क्लास है वो वीकन हो रही थी. द न्यू मोनार्ची देखी गई, द रिफॉर्मेशन एंड द वीकनिंग ऑफ द पावर ऑफ चर्च, एनक्लोजर मूवमेंट एंड कमर्शियल एक्सपेंशन. और एनक्लोजर मूवमेंट हुई और कमर्शियल एक्सपेंशन रेनेसा में स्टार्ट हुई जब रीबर्थ ऑफ नॉलेज हुआ. लिटरेचर देखते हैं रेनेसा में कैसी थी. रेनेसा, ह्यूमनिज्म, थॉमस मोर, एडमंड स्पेंसर, फ्रांसिस बेकन एंड ड्रामा, इस तरह की कुछ यहाँ पे रेनेसा के जो बेसिकली लिटरेचर में जो हम देखते हैं उसमें हमें रेनेसा मिला, ह्यूमनिज्म थी, थॉमस मोर मिला, एडमंड स्पेंसर और फ्रांसिस बेकन, और फिर ड्रामा. रेनेसा देख लेते हैं. द रेनेसा मार्क्स द ट्रांसलेशन फ्रॉम मिडिवल टू मॉडर्न वर्ल्ड. ठीक है, इसने असल में रेनेसा ने मार्क किया था ट्रांसलेशन फ्रॉम मिडिवल टू मॉडर्न वर्ल्ड, और इट मीन रीबर्थ और रिवाइवल ऑफ लेटर्स. इसी में रीबर्थ और रिवाइवल हुआ था लेटर्स का. इट इज अ हिस्टोरिकल पीरियड. टू स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ दिस मोमेंट आर थर्स्टिंग क्यूरियोसिटी फॉर द क्लासिकल लिटरेचर एंड कीन इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमैनिटी. नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमनिज्म में क्या था की नोट ऑफ रेनेसा. रेनेसा तो खैर हमने लिटरेचर में बहुत डीपली पढ़ा था. अब वो ह्यूमनिज्म क्या था, ये की नोट था रेनेसां का. एम्फेसिस ऑन डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रेजेंट लाइफ. और ह्यूमनिज्म में बेसिकली इक्वलिटी ऑफ राइट्स की बात की गई थी, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स की बात की गई थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई थी, और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंट लाइफ की. फिर थॉमस मोर एंड हिज यूटोपिया वो यहाँ पे रेनेसां में इंट्रोड्यूस किया गया. फिर उसके बाद एडमंड स्पेंसर एंड हिज द फेरी क्वीन, his reputation known as the poet's poet, or Edmund Spencer को कहा जाता है ये poets का भी poet है. Francis Bacon, the first English essayist, famous for his essays. Drama में देखते हैं the highest glory of English Renaissance with Shakespeare, Christopher Marlowe and Ben Jonson. Christopher Marlowe, the most gifted of the university wits, Dr. Faustus, blank verse first used in his drama. University wits पे note आया हुआ है. ठीक है, और ये क्रिस्टोफर मार्लो ही था जो कि द मोस्ट गिफ्टेड था ऑफ यूनिवर्सिटी वेस्ट, और उसमें हमने डॉक्टर फॉस्टर सम पढ़ चुके हैं, और ब्लैंक वर्स उसमें फर्स्ट टाइम यूज की थी इन ड्रामा. नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या हुआ. फिर हमने बेन जॉनसन पढ़ा. ठीक है, बेन जॉनसन की अभी हम पढ़ चुके हैं, हमने एक बुक पढ़ी थी और दैट वॉज आई थिंक नाम जहन से निकल गया, बेन जॉनसन का हमने पढ़ा था अल्केमिस्ट. ठीक है, और उसका प्रेज ऑफ शेक्सपियर, वॉलपोन, सोल ऑफ द एज, द अप्लॉज, आई डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज. और बेन जॉनसन ने स्पेशली प्रेज किया था शेक्सपियर को और वॉलपोन में,
और उसने कहा था सोल ऑफ द एज कि शेक्सपियर सोल ऑफ द एज था, द अप्लॉज आई डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज. और बेन जॉनसन ने कहा था कि वो तो वंडर ऑफ आवर स्टेज था, टू होम ऑल सीन्स ऑफ यूरोप होमेज ओ, जहाँ पे तमाम सीन्स जो है वो यूरोप होमेज ओ करता है, यानी कि उसके तमाम सीन्स यूरोप को रिप्रेजेंट करते हैं. ही वॉज नॉट एन ऑफ एन एज बट फॉर ऑल द टाइम, वो सिर्फ एक एज को रिप्रेजेंट नहीं करता बट ही इज फॉर ऑल टाइम, यानी कि तमाम एजेस को वो रिप्रेजेंट करता है. शेक्सपियर हिज लाइफ बॉर्न इन 1564 इन स्टेडफोर्ड ऑन द ऑन एवन एंड डाइड इन 1616. हिज वर्क 38 प्लेस, 154 सोनेट्स एंड नो एंड टू लॉन्ग पोएम्स. हिज स्टेटस. नेक्स्ट देखते हैं इयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स अप्रेंटिसेस मेनली हिस्टोरिकल प्ले, जिसमें हमने देखा इस दौर के अंदर हमने रेनेसा में हमने क्या क्या और देखा. हेनरी सिक्स, हमने कुछ हिस्टोरिकल प्लेस देखे. हिस्टोरिकल प्लेस यानी कि ऐसे प्लेस जो कि हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम बड़े सगीर पाक को हिंद की हिस्ट्री पढ़ते हैं, सेम इज द केस विद दैट. अब उसमें क्या था, हेनरी सिक्स, रिचर्ड थ्री, ये वो प्लेस थे, हिस्टोरिकल प्लेस थे जो लिखे गए थे. द टाइमिंग ऑफ द शिप, ईयर्स ऑफ ग्रेट कॉमेडीज एंड मैच्योर हिस्टोरिकल प्लेस. द मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, As You Like It, Twelfth Night, Years of Great Tragedies and Dark Comedies, Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth. अब इसमें से हम Hamlet भी पढ़ चुके हैं और Othello भी पढ़ चुके हैं. Next देखते हैं Year of Romantic Tragic Comedies. उसमें हमने देखते हैं कि ये Years of Romantic Tragic Comedies का, जिसमें हमने Cymbeline पढ़ा, The Winter's Tale, The Tempest. और सोनेट में हमने क्या पढ़ा, द पोएम इन 14 लाइंस विद अ राइम स्कीम. सोनेट एक ऐसी पोएम को कहते हैं जो 14 लाइंस पे बेस्ड करती है विद अ राइम स्कीम. राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियर एंड सोनेट, सी डी सी डी पी एफ ई एफ जी जी. ये आप लोगों को मैंने बताई थी कि राइमिक स्कीम क्या होती है. उसके बाद जब हमारा रेनेसा पीरियड खत्म हुआ, तो उसके बाद पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ एंड रिस्टोरेशन. इसमें सोशल बैकग्राउंड क्या हुआ था, द क्लैश बिटवीन द किंग एंड पार्लियामेंट, द सिविल वॉर बिटवीन 1642 टू 1649, चार्ल्स फर्स्ट वाज एग्जीक्यूटेड इन 1649. चार्ल्स फर्स्ट को जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया गया था, जिला वतन कर दिया गया था इन 1649. द डिक्लाइन ऑफ क्रॉमवेल्स कॉमनवेल्थ एंड द कॉम्प्रोमाइज विद द फ्यूडल रेमनेंट्स. लिटरेचर में हम देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और रिस्टोरेशन में हम क्या क्या देखते हैं, जॉन मिल्टन, जॉन बनियन, जॉन ड्राइडन, मेटाफिजिकल पोइट्स. मेटाफिजिकल पोइट्स पे अक्सर नोट आ जाता. फिर देखते हैं कि हमने रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन या रिस्टोरेशन पीरियड में हमने और क्या देखा, हमने मिल्टन, आर रेवोल्यूशनरी पोइट, पॉलिटिकल, बोथ इन लाइफ एंड हिज आर्ट. उसने पैराडाइज लॉस्ट लिखी, पैराडाइज रिगेन्ड लिखी, सैमसन एगोनिस्ट लिखा. बनियान, उसने द पिलग्रिम प्रोग्रेस लिखा, आप लोगों के सिलेबस में भी है. अ रिलीजियस एलेगरी, द स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज ऑफ क्रिश्चियन. उसके बाद ड्राइडन का देख लेते हैं, द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड लिटरेरी फिगर ऑफ द रिस्टोरेशन पीरियड, यूज ऑफ हीरोइक कॉपलेट इन द राइटिंग, इन हिज राइटिंग. उसके बाद हीरोइक कॉपलेट देख लेते हैं, किसको कहते हैं हीरोइक कॉपलेट, कहते हैं टू सक्सेसिव लाइन ऑफ वर्क equal in length and with rhyme, जिनके rhyme scheme भी same हो और उसकी length भी बिल्कुल same, ठीक है? Metaphysical school of poetry में देखते हैं break away from the convention, simple diction, common speech, words and cadences, actual life imagery, argument with poets beloved with God or with himself. John Donne and Andrew Marvel. Metaphysical school of poetry भी हमने इस French Revolution में देखा, जिसमें हमने क्या देखा कि पहली बात ये कि उन्होंने कन्वेंशन को ब्रेक कर दिया था, ट्रेडिशंस को ब्रेक अवे कर दिया था, खत्म कर दिया था या उसको रिबेल कर दिया था. सिंपल डिक्शन जो है उसको फॉलो किया गया था, कॉमन स्पीच वर्ड्स यूज किए गए थे एंड कैडेंसेस यानी वर्ड्स को कहते हैं, एक्चुअल लाइफ इमेजरी आर्गुमेंट विद पोएट्स बिलव्ड. और एक्चुअल लाइफ इमेजरी जो है पोएट्स बिलव्ड के साथ उसको आर्गुमेंट किया गया था, बयान किया गया था विद गॉड और विद हिमसेल्फ और उसका पोएट का लव. अब मेटाफिजिकल पोएट में जब हम जॉन डन के बारे में पढ़ते हैं, तो हम जॉन डन की थ्री टाइप्स ऑफ लव्स पढ़ते हैं. एक उसका लव था फॉर हिज बिलव्ड. उसके बाद जो है हमने देखा कि उसने जो सेकंड फेज था वो उसने अपनी बीबी की मोहब्बत में लिखा था, और थर्ड फेज जो है उसने गॉड की मोहब्बत में पोएट्री लिखी थी.
उसमें उसने डिफरेंट लाइफ इमेजरी यूज की थी, मेटाफिजिकल एलिमेंट्स यूज किए थे. इसी तरह जॉन डन और एंड्रयू मार्वल, इन दोनों ने इस तरह की पोएट्री की थी जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री को शो करते हैं. जॉन डन देख लेते हैं, लीडिंग फिगर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, हिज कंसीट. एंड्रयू मार्वल टू हिज पोएम मिस्ट्रेस. उसके बाद देखते हैं द पीरियड ऑफ इंग्लिश एनलाइटमेंट एंड क्लासिकिज्म, जिसे ऑगस्टन एज भी कहा जाता है. ठीक है, ऑगस्टन एज भी कहा जाता है, द 18th सेंचुरी, जिसमें हमने पॉप को पढ़ा था और इसके अंदर हमने रेप ऑफ द लॉक भी पढ़ा था. इसको ऑगस्टन एज कहा जाता है, इसको एनलाइटमेंट एज कहा जाता है और इसको क्लासिकिज्म भी कहा जाता है. क्लासिकल और क्लासिकिज्म में फर्क है, मेडिवल सॉरी, इसको क्लासिकिज्म कहा जाता है और चौसर की एज को हम वैसे तो क्लासिकल पोएट्री कहते हैं उसकी पोएट्री को, लेकिन हम उसको मिडीवल में काउंट करते हैं. अच्छा, इसमें देखते हैं कि सोशल बैकग्राउंड क्या था. एज ऑफ एनलाइटमेंट और एज ऑफ रीजन, इसको एज ऑफ रीजन कहते थे, एज ऑफ एनलाइटमेंट कहते थे, ऑगस्टन एज कहा जाता था. अ प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल मूवमेंट टू एनलाइटन द होल वर्ल्ड विद द लाइट ऑफ मॉडर्न फिलोसॉफिकल एंड आर्टिस्टिक आइडिया टू सेलिब्रेट रीजन इक्वालिटी एंड साइंस. अच्छा, एज ऑफ एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट से आपके जहन में आ रहा होगा कि रोशनी हो जाना, ठीक है, और इल्म की भरमार हो गई थी, और लोगों में इसको एज ऑफ रीजन भी कहते हैं, लॉजिक एंड रीजन की एज शुरू हो गई थी, जिसमें लोग जो है उसमें साइंस की बहुत तरक्की शुरू हो गई थी, लोग जो है आर्टिस्टिक आइडियाज को सेलिब्रेट करते थे, दे सेलिब्रेट द रीजन लॉजिक्स, ठीक है, और इंटेलेक्ट का काम ज्यादा हो गया, अकल इस्तेमाल थोड़ी सी करनी शुरू कर दी थी लोगों ने, और लॉजिक और रीजन बेस्ड जो है वो बात होती थी, फैक्ट बेस्ड बात होती थी, हवाई बातें नहीं होती, जैसे मिडीवल में हम जिन्हों भूतों की बातें करते हैं, लेकिन एनलाइटमेंट एज में हम ऐसा कुछ नहीं करते थे. तो क्या था कि आप प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल मोमेंट टू एनलाइटन द होल वर्ल्ड विद द लाइट ऑफ मॉडर्न फिलोसॉफिकल एंड आर्टिस्टिक आइडिया. अब क्या हुआ कि एक प्रोग्रेस स्टार्ट हुई, एक प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्टार्ट हुई कि एनलाइटन किया जाए पूरी दुनिया को विद द लाइट ऑफ मॉडर्न फिलोसॉफिकल और आर्टिस्टिक आइडिया एंड टू सेलिब्रेट द रीजन एंड इक्वालिटी एंड साइंस, कि सेलिब्रेट किया जाए रीजन को, रीजन इंटेलेक्ट को कहते हैं, रीजन लॉजिक को कहा जाता है, ठीक है, फैक्ट बेस्ड जो आपकी लॉजिक्स होती है उनको कहा जाता है, और इक्वालिटी और साइंस पे बात होती थी. लिटरेचर देखते हैं इसमें क्या था, द स्कूल ऑफ क्लासिकिज्म, द राइट ऑफ मॉडर्न नॉवल, सेंटिमेंटलिज्म, प्री रोमांटिसिज्म, द शेरिडन्स ड्रामा. और इसमें जो है हमने क्या क्या देखा कि इसके अंदर हमने प्री रोमांटिसिज्म भी देखी और शेरिडन्स ड्रामा भी देखा. फिर क्लासिकिज्म में देखते हैं हम क्या था, ऑल फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर शुड बी मॉडर्न आफ्टर द क्लासिकल वर्ल्ड ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन राइटर्स. तमाम फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर जो है उनको मॉडल किया जाना चाहिए आफ्टर द क्लासिकल वर्क ऑफ एंशिएंट ग्रीक के रोमन राइटर्स को रिफॉर्म किया गया. कंट्रोल बाय सम फिक्स्ड लॉज एंड रूल्स, आर्टिस्टिक आइडियाज शुड बी ऑर्डर, लॉजिक रिस्ट्रेंड, इमोशन. अब वो कहते हैं कि आर्टिस्टिक आइडियाज जो है वो ऑर्डर होने चाहिए, लॉजिक होनी चाहिए, इमोशंस जो है वो रिस्ट्रेंड होने चाहिए और एक्यूरेट होने चाहिए. एडिसन, स्टील एंड पॉप आर रिप्रेजेंटेड. अब थॉमस एडिसन किसको रिप्रेजेंट करता है, वो साइंस और लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है. स्टील और पॉप जो है वो जो है पोइट्स थे, और वो इस 18th सेंचुरी जैसे हमने रेप ऑफ द लॉक पढ़ा अलेक्जेंडर पॉप का, तो वो रिप्रेजेंट करता है इस एज. स्टील एंड टैटलर, एडिसन एंड द स्पेक्टेटर. Next, Pop, the most important representative of classical poetry, so perfect in heroic couplet that no one has been able to approach him. Modern novel hai, the mid century predominated by a new realistic novel. Defoe, Swift, Richardson, Fielding, Smollett and Sterne are representative description of adventures. Defoe and Robinson Crusoe, Richardson and Pamela, Sterne and Tristram Shandy, Swift and Gulliver's Travels, Fielding and Tom Jones, Smollett and Roderick Random. Sentimentalism देख लेते हैं. By the mid of 18th century, sentimentalism came into being as a result of bitter discontent among the enlightened people with social reality. अब 18th century में क्या हुआ कि ये जो sentimentalism जो है वो वजूद में आई as a
result of bitter discontent among enlightened people with social reality. जब ये enlightened people ने कहा कि जी emotions जो हैं वो restrained होने चाहिए, मतलब तो फिर एक sentimentalism जो है वो हमने देखी. Or dissatisfied with the reason, sentimentalism turned to sentiment to the human heart. और sentiments क्या होते हैं? आपकी human heart के sentiments होते हैं. तो वो जो है इस रीजन की दुनिया से बिल्कुल डिससैटिस्फाइड थे, तो फिर सेंटिमेंटलिस्ट जो है वो टर्न टू सेंटिमेंट और टू हार्ट उन्होंने टर्न एक लिया था. फिर उसके बाद थॉमस ग्रे एंड एलेगी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड प्री रोमांटिसिज्म द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बॉन्डेज ऑफ क्लासिकिज्म A recognition of claims of passion and emotion. William Blake and Robert Burns are representative. William Blake, the poet, poems from the Songs of Innocence indicate the condition which makes a religion a consolation, a prospect of illusory happiness, and the poems from the Songs of Experience reveal the true nature of religion which brings misery to the poor children. Robert Burns ko dekh lete hain, remembered mainly for his songs written in Scottish dialect. Sheridan को देख लेते हैं, the only important English dramatist in the 18th century, the Royals and the School for Scandal, the true classics in English comedy. Next देखते हैं, फिर उसके बाद start हुआ romantic period, the turn of 18th and 19th century, social background to important revolutions हुए हुए थे इसके अंदर romantic period में. Number one, the French Revolution of 1789 to 1794 and English Industrial Revolution. अब ये जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो एक तूफान आ गया था, ठीक है. अब ये टर्न था 18th और 19th सेंचुरी का. ये अब ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789 टू 1794 हुआ, और उसके बाद एकदम से जब इंग्लिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो लेट्स सी. मैं अक्सर आप लोगों को बात कर रही होती हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन की और इंग्लिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की. इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक्चुअली इंग्लिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है, इसी को रोमांटिक पीरियड कहा जाता है. अब इसमें क्या हुआ, अच्छा अब इसके अंदर क्या हुआ कि लिटरेचर द रोमांटिक पीरियड इज एन एज ऑफ पोइट्री. वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बायरन, शेली एंड कीट्स आर द मेजर रोमांटिक पोएट्स, प्रोज राइटर्स एंड नॉवलिस्ट. रोमांटिसिज्म It designates a literary philosophical theory which tend to see the individual as the very center of all life and all experience. Romanticism mein hum dekhte hain ki it designates a literary and philosophical theory which tend to see the individual as very center of the life, jisme hum individual ko dekhte hain ki wo very center of life hai and all experience. It also places the individual at the center of art, aur ye individual ko center of art mein bhi dekhta hai, making literature most valuable as an expression of his or her unique feelings and particular attitudes. Nature is not only a major source of poetic imagery, but also provides a dominant subject matter. Romantics also tend to be nationalistic. Or romantics jo hain wo inko nationalistics bhi kaha jata hai. Next dekhte hain. Lake poets, the poets of Wordsworth, Coleridge, Southey lived. I Lake the district. They traversed and the same path in politics and in poetry. Find first inspired by French Revolution, later changed into conservative. Wordsworth, his definition of poetry. Poetry is spontaneous overflow of the powerful feeling. इसके अंदर जो romanticism में सबसे important हमारी Wordsworth की poetry थी, जिसमें उसने एक definition of poetry बताई थी. उसने कहा था ये जो poetry है ना, ये स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है पावरफुल फीलिंग्स का, एंड पोएट्री ओरिजिनेट्स फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. और पोएट्री जो है ओरिजिनेट होती है इमोशन से जो कि रिकोलेक्ट होते हैं इन ट्रैंक्विलिटी. अ नेचर पोएट वर्किंग इन कोलैबोरेशन विद कॉलरिज इन लिरिकल बैलेंस. कॉलरिज को देख लेते हैं, उसने कुबला खान लिखी थी क्रिस्टेबल, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, ये आप लोग पार्ट टू में जाके पढ़ेंगे. बायरन जो है उसने डॉन जुएन, चाइल्ड हैरोल्ड्स पिलग्रिमेज, और शेली ने प्रोमेथियस अनबाउंड और टू वेस्टवाइंड, ये भी आप पार्ट टू में जाके पढ़ेंगे. उसके बाद कीट्स भी आपके पार्ट टू में है, हिज मैच्योर एंड इम्पोर्टेंट ऑड्स और टू अ नाइटिंगेल और ऑन अ ग्रेशियन अर्थ.
उसके बाद प्रोज राइटर्स देख लेते हैं, उसमें हैजलिट एंड लाई हंट, थॉमस डी क्विंसी एंड हिज कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, चार्ल्स लैम्ब एंड हिज एसेज ऑफ इलिया, जेन ऑस्टन देख लेते हैं, लव एंड मैरिज एज मेजर थीम ऑफ नॉवेल्स, प्राइड एंड प्रेजुडाइस ये हम पढ़ चुके हैं, सेंस एंड सेंसिबिलिटी एक्सेट्रा, वाल्टर स्कॉट अ रोमांटिक हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट, आइवन हो. नेक्स्ट क्रिटिकल रियलिस्ट पीरियड द मिड एंड लेट 19th सेंचुरी. ठीक है, अब देखते हैं कि क्रिटिकल रियलिस्ट पीरियड भी फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम देखते हैं कि सोशल बैकग्राउंड, द स्ट्रगल बिटवीन वर्कलेस एंड कैपिटलिस्ट, द चार्टिस्ट मूवमेंट, द विक्टोरियन मोरालिटी. लिटरेचर देखते हैं इसमें कैसी लिखी गई थी. फिक्शन इज द हाईएस्ट अचीवमेंट, नॉवल लिखा गया था विद डिकेंस एज इट्स रिप्रेजेंटेटिव. क्रिटिकल रियलिज्म में देखते हैं स्ट्राइकिंग टू द फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 18th सेंचुरी रियलिस्ट नॉवल टू क्रिटिकल रियलिस्ट कैरिड देयर ड्यूटी फॉरवर्ड टू द क्रिटिसिज्म ऑफ द सोसाइटी एंड डिफेंस ऑफ द मैस. अब इन्होंने स्टिकिंग टू द फेथफुल, मैंने सॉरी स्ट्राइकिंग बोल दिया था, दैट इज स्टिकिंग टू द फेथफुल रिप्रेजेंटेशन था ऑफ 18th सेंचुरी रियलिस्ट नॉवल टू क्रिटिकल रियलिस्ट कैरिड, के इन्होंने ये स्टिक हो गए थे फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 18th सेंचुरी. जैसे हमने पॉप का को हम देखते हैं कि उसने फेथ जो है वो रिप्रेजेंट किया था 18th सेंचुरी रियलिस्ट नॉवल टू क्रिटिकल रियलिस्ट कैरिड देयर ड्यूटी फॉरवर्ड टू द क्रिटिसिज्म ऑफ सोसाइटी एंड डिफेंस ऑफ द मैस. दे वर ऑल कंसर्न अबाउट द फेट ऑफ कॉमन पीपल, आम इंसान की फेट से वो ये कंसर्न थे. देयर ट्रूथफुल पिक्चर ऑफ पीपल्स लाइफ एंड बिटर एंड स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म ऑफ सोसाइटी had done much in awakening the public consciousness to the social problem and in the actual movement of society. Next is Charles Dickens' Oliver Twist about the dehumanizing workhouse system and the dark criminal underworld life. David Copperfield concerned about the debtor's prison, A Tale of Two Cities about French Revolution, a master storyteller, character portrayal is the most distinguishing feature of his work. Thackeray, Vanity Fair, subtitled A Novel Without Hero, A Description of the Evils of the Upper Society, Charlotte Bronte and her Jane Eyre, The Struggle for Basic Rights and Equality, Emily Bronte and her Wuthering Heights, The Passionate Love. Wuthering Heights we have inshallah next year putting it. George Eliot and her Mill on Floss, poets Tennyson and Browning. Tennyson is the most representative, if not greatest, Victorian poet. In Memoriam, the Idylls of a King, Browning as the most original poet of his time, his name is often associated with the term dramatic monologue. Browning jo hai wo as original poet is waqt mein dekha gaya aur uska jo name hai wo associate kiya jata hai with the term dramatic monologue ke saath. Dramatic monologue dekh lete hain, in a dramatic moment or crisis the characters are made to talk about the lives and about their minds and hearts. In listening to those one-sided talks, readers can form their own opinions and judgments about speaker's personality and about what has really happened. Literary trends at the end of the 19th century, naturalism, neo-romanticism, aestheticism, Thomas Hardy, naturalism isme dekhi gayi. Literature must be true to life, exactly reproduce real life, including all the details without any selection. Naturalists usually write about the lives of poor and oppressed or the slum life. Uske baad neo romanticism bhi isi era ka hissa tha. Dissatisfied with the drab and ugly social reality and yet trying to avoid the positive situation of acute social contradiction, the writer laid emphasis on the invention of exciting adventures and fascinating stories. Ab kya hua ke jab wo dissatisfied ho gaye with the drab and ugly social reality se, to unhone try kiya ki wo to avoid the positive solution of acute social contradictions ko avoid kare aur writer jo hai wo emphasis kare on invention of exciting adventure, ki wo koi exciting adventure और फैसिनेटिंग स्टोरीज जो हैं वो इन्वेंट करें. दे लेट द नॉवल बैक टू द स्टोरी टेलिंग एंड रोमांस. अब क्या हुआ कि नॉवल जो है वो फिर अगेन स्टोरी टेलिंग और रोमांस पे बेस्ड
लिखे जाने लगे. रॉबर्ट स्टीवेंसन वॉज रिप्रेजेंटेटिव विद पीशोर सॉरी ट्रेजर आइलैंड एंड डॉक्टर जेकल एंड मिस्टर हाइड. Aestheticism, the theory of art for art's sake, art should serve no religious. Aestheticism dekhi gayi isme. Or theory of art for art's sake, art should serve no religious, moral or social end. Ke art jo hai, should serve ke na to art religious ko, na moral or social end ko show kare, nor any end except itself. Ke art for art's sake hi hona chahiye. Aur isme Oscar Wilde aur Walter Pater ne apna role ada kiya tha. Hardy ne Wessex novels जो है वो लिखे थे, जिसमें हमने रिटर्न ऑफ द नेटिव भी पढ़ा था, और ये आप लोगों के कराची यूनिवर्सिटी के पार्ट टू में आएगा. नॉवेल्स अबाउट द कैरेक्टर्स एंड एनवायरनमेंट, द डिस्क्रिप्शन ऑफ विसिस्यूट्स ऑफ पीपल हु लिव्ड इन एग्रीकल्चरल सेटिंग मैनेज्ड बाय द फोर्सेस ऑफ इन्वेडिंग कैपिटलिज्म. The Return of the Native, The Mayor of Casterbridge, The Test of Dubris, Willis, Jude, Obscure, Hardy is often regarded as transitional writer, और Hardy को भी transitional writer कहा गया. ये Hardy जो है ना, that is very important, ठीक है. इसने Wessex novels लिखे थे. इसने जो है एक role play किया था कि nature का इंसान की life के ऊपर क्या role play होता है. वो जब आप रिटर्न ऑफ द नेटिव पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह ये भी समझा दूंगी. अच्छा, उसके बाद मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ जिसको हम 20th सेंचुरी भी कहते हैं. इसका सोशल बैकग्राउंड देख लेते हैं. द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, द पोस्ट वॉर इकोनॉमिक डिसलोकेशन एंड स्पिरिचुअल डिसोल्यूशन, द राइज ऑफ ऑल काइंड ऑफ फिलोसॉफिकल आइडियाज, Karl Marx, scientific socialism, Darwin's theory of evolution, Schopenhauer and Nietzsche pessimism. अच्छा, क्या हुआ था इसमें? एक तो गैप आ गया था बिटवीन रिच एंड पुअर में, उसके बाद पोस्ट वॉर इकोनॉमिक डिसलोकेशन और स्पिरिचुअल डिसिल्यूजन हमने देखने में आई थी कि वार के बाद, पोस्ट वॉर किसे कहते हैं, जंग होने के बाद जो एक इकोनॉमिक डिसलोकेशन हुई और एक स्पिरिचुअल डिसिल्यूजन हुई. अब क्या होता है इकोनॉमिक डिसलोकेशन, क्या होता है, लोगों के माल जायदादें सब तबाह हो जाती हैं, किसी को नहीं पता होता, बंजर जमीन हो जाती है कि किसकी जायदाद किधर थी, कुछ पता नहीं चल रहा होता. उसके साथ साथ लोग जो हैं अपने बहुत सारे प्यारों को अपने सामने मरते हुए देखते हैं, जिसकी वजह से एक स्पिरिचुअल डिसल्यूशन भी होती है. लोग नाउमीदी का शिकार हो जाते हैं और उनकी स्पिरिचुअलिटी जो है खत्म हो जाती है. द राइज ऑफ ऑल काइंड ऑफ फिलोसॉफिकल आइडियाज और इसमें एक राइज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फिलोसॉफिकल आइडियाज देखा गया, जिसमें कार्ल मार्क्स, साइंटिफिक सोशलिज्म, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन देखा गया, स्कोफेन्यूर और नाइशी पेसिमिज्म देखी गई. लिटरेचर देखते हैं, मॉडर्निज्म राइजेस आउट ऑफ स्केप्टिसिज्म एंड डिसिल्यूजन ऑफ कैपिटलिज्म, टेक्स द इरेशनल फिलोसफी एंड द थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस एज इट्स थ्योरेटिकल बेस. रियलिस्टिक नॉवेल्स देखते हैं इन 20th सेंचुरी, वो कैसे थे. The continuation of the Victorian tradition. The outstanding figures are John Galsworthy, वैसे I think its name is Galsworthy, it's not Galsworthy, मुझे लग रहा है यहाँ पे spelling mistake है. H.G. Wells and Arnold Bennett within the strong swing of leftism. In 1930s, novelists began to turn their attention to the urgent social problems. In the mid-1950s and early 1960s, there appeared the angry young man launching a bitter protest against the outmoded social and political values in their society. Kingsley Amis is the most important. Kya hua tha realistic novel? Kis tarah ke likhe gaye 20th century mein? Pehli baat ye ki ek continuation hua ek Victorian tradition ka. उसके अंदर एक आउटस्टैंडिंग फिगर्स जो कि जॉन गैल्सवर्दी, एच.जी. वेल्स एंड आर्नल्ड बेनेट ने प्ले किया विद इन द स्ट्रॉन्ग स्विंग ऑफ लेफ्टिज्म. और इसके अंदर क्या था, इन द 1930s नॉवेलिस्ट बिगेन टू टर्न देयर अटेंशन टू अर्जेंट सोशल प्रॉब्लम. 1930s में नॉवेलिस्ट ने जो है अपनी अटेंशन जो है अर्जेंट सोशल प्रॉब्लम्स की तरफ जो है वो कर ली थी, बजाय इसके कि वो खाली जो है रोमांटिक कहानियां लिखते फिरते. उन्होंने क्या किया कि इन द मिड 1950s एंड अर्ली 1960s देयर अपीयर्ड द एंग्री यंग वुमन. एक एंग्री यंग मैन जो है वो हम देखने को मिला, जो कि लॉन्च करता है अ बिटर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द आउटमूव सोशल एंड पॉलिटिकल वैल्यूज इन द सोसाइटी. जो कि प्रोटेस्ट करता है, रिपेल करता है
इस सोसाइटी की पॉलिटिकल वैल्यूज और सोशल वैल्यूज को इंडियन सोसाइटी. किंग्सली एमिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसमें किंग्सली एमिस जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. फिर हम देखते हैं कि मॉडर्निज्म इन फिक्शन. The first three decades of this century were golden years of the modern novelist. The theory of Freudian and Jungian psychoanalysis played an important role. D.S. Lawrence traced the psychological activities in his work. Sons and Lover, Women in Love, Lady Catterley's Lover, Stream of Consciousness School of Novel. ये भी इसमें देखने को, जिसमें James Joyce और Virginia Woolf ने ये रोल प्ले किया था. ये भी आप पार्ट टू में जाके पढ़ेंगे. फिर देखते हैं कि ड्रामा कैसा था. अभी तो हमने देखा कि नॉवल कैसा था, ड्रामा कैसा था 20th सेंचुरी का. बर्नार्ड शॉ इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट नोन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट सिंस शेक्सपियर. हिज प्लेज आर इंस्पायर्ड बाय सोशल क्रिटिसिज्म. जॉन गिल्सवर्थी कैरिड ऑन हिज ट्रेडिशन ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म द आयरिश मूवमेंट. मॉडर्निज्म इन ड्रामा, द वर्किंग क्लासेस ड्रामा एंड द थिएटर ऑफ एब्सर्ड. जॉन ऑसबर्न एंड द एंग्री यंग मैन. सैमुअल बेकेट एंड वेटिंग फॉर गॉडॉट. इसमें थिएटर ऑफ एब्सर्ड देखा गया था, ठीक है, जो कि वेटिंग फॉर गॉडॉट जो है वो हमने देखा, जो कि सैमुअल बेकेट ने लिखा था. मॉडर्निज्म इन पोइट्री, अ रेवोल्यूशन अगेंस्ट कन्वेंशनल आइडियाज एंड फॉर्म्स ऑफ विक्टोरियन पोइट्री. द पोएम्स ऑफ इलियट एंड जीट्स, द राइज ऑफ मॉडर्न पोइट्री. मॉडर्न पोइट्री में हमने देखा कि एक रेवोल्यूशन दिखाया गया अगेंस्ट द कन्वेंशनल आइडियाज, जो ट्रेडिशनल आइडियाज है उसके खिलाफ एक रिबेल दिखाया गया एंड फॉर्म्स ऑफ विक्टोरियन पोइट्री. और पोइट्स इसमें कौन कौन थे, इलियट था, यीट्स था, और एक राइज ऑफ मॉडर्न पोएट्री देखा गया. दैट इज द एंड ऑफ योर टुडेज लेसन.